नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ओमेगा विंडसर में 8 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें मां दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना से लेकर सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम बंगाली स्टाइल में कराए गए। वहीं 10 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक भंडारे का आयोजन भी किया गया। माता की पूजा करने के लिए पंडित जी को बंगाल से बुलाया गया। वहीं शाम 12 अक्टूबर को रावण दहन भी किया गया। हमारी सहयोगी कनक मिश्रा वहां पहुंची, उन्होंने लोगों से बातचीत करी। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मौजूद हूँ ओमेगा ग्रीन पार्क अपार्टमेंट में। यहाँ पर दुर्गा माँ की एक खूबसूरत प्रतिमा रखी गई और दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया। इसी के साथ आज विजयदशमी के दिन रावण का दहन किया गया और डांडिया प्रोग्राम रखा गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि प्रोग्राम का आयोजन किस तरीके से किया गया है। लोग यहाँ पर बहुत उत्सुक हैं और कुछ ही देर में डांडिया का प्रोग्राम शुरू होने वाला है, तो हम बात करेंगे लोगों से। जब तक देखिए आप ये नज़ारा। प्रोफेसर नारायण चंद सरकार जी, यहाँ की सारी व्यवस्था के बारे में बताइए, इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। हम लोगों ने अभी 1.5 महीना पहले ये शुरू किया था। ये प्रथम दुर्गा पूजा महोत्सव है हमारे ओमेगा विंडसर परिसर में। तो इसमें हम लोगों ने प्रतिमा स्थापना किया पहले, उसके बाद उसी दिन षष्ठी के दिन बच्चों का कार्यक्रम था। बच्चों के डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स उसमें हुए उसमें, और उसके बाद नेक्स्ट डे जो सीनियर सिटीजन सभी के कार्यक्रम हुए, और थर्ड डे हम लोगों का जो अष्टमी के दिन में हम लोगों ने बाहर से ये आर्टिस्ट बुला के यहाँ पे प्रोग्राम कराया। आज जो नौवीं लास्ट दशमी है तो मूर्ति के विसर्जन ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग को 13th को विसर्जन के लिए मिला परमिशन, इसलिए आज हम लोगों ने उस टाइम को यूटिलाइज़ किया और डांडिया नाइट का आयोजन कर दिया। तो आज डांडिया देख ही रहे हैं, अभी इसके बाद से शुरू हो जाएगा डांडिया नाइट। तो ये सब प्रोग्राम टोटल है, लेकिन चूंकि ये प्रथम वर्ष है हम लोगों ने भरपूर कोशिश की कि अच्छे से अच्छे हो। हमारे पूरे समिति मेंबर्स जो हैं अग्निवेश जी, नवीन जी, भरत जी, हमारी वाइफ हैं रत्ना सरकार, अजय शुक्ला और जितने भी सतीश जी, उसके बाद वर्मा जी, सब लोग मिलकर बहुत दिन रात एक कर दिए, क्योंकि बहुत कम हम लोग के पास समय था। इसी में मूर्ति का हम लोगों ने ये दिया, प्रतिमा का ऑर्डर दिया। फिर चूँकि इसको हम लोगों ने टोटल थोड़ा सा जो ओरिजिनल ट्रेडिशनल पद्धति है उससे कोशिश किया दुर्गा पूजा करने के लिए, तो स्पेशली बंगाल से हम लोग पुरोहित मंगाए, वहाँ से ढाक जो ट्रेडिशनल वाद्य है माता का, तो वो ढाक मंगाया, फिर उसी तरह से हम लोगों ने किया। तीन दिन हम लोगों ने यहाँ कंटिन्यूस ये चलाया, भंडारा चलाया, जिसे भोग कहते हैं हम लोग के इसमें, लेकिन इधर इस भंडारा, इसमें पहले दिन हम लोगों का खिचड़ी भंडारा ट्रेडिशनल जो था दुर्गा पूजा का, दूसरे दिन हमारा जो अष्टमी था चूँकि, तो माता को हम लोगों ने चना हलवा और पूरी ये किया। थर्ड राज के दिन में हम लोगों ने मटर पुलाव और पनीर की सब्जी सभी का, तो बहुत काफ़ी भक्त करीब 1500-1600 लोग इसमें बाहर बाहर से भी आए और ओमेगा परिसर से तो लोग थे ही। जो मेन कॉन्सेप्ट था हमारे जो ये बिल्डर हैं आप मिस्टर आशीष गुप्ता जी, तो इनिशिएटिव उन्होंने ही किया इस चीज़ को। फिर हम लोग धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए, सहयोग है जो हम लोग का, ये सोसाइटी भी एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, प्लस जो एडमिनिस्ट्रेशन को नेसेसरी परमिशन लेना था वो हम लोग लेके चल रहे हैं। क्या नाम है आपका? रत्ना सरकार। कहाँ की रहने वाली है मैम आप? गोरखपुर की। अच्छा, ये बताइए कि ये जो कार्यक्रम हुआ है तो ये पहली बार हुआ है, इससे पहले हो चुका है? नहीं, यहाँ पे पहली बार हुआ है।
ये बताइए कि यहाँ की पूजा के बारे में कुछ पता है आपको कि किस प्रकार होती है? हम लोग बचपन से देख करके आ रहे हैं दुर्गावाड़ी में, गोरखपुर में, तो इसीलिए पूरा सब पता था और कलकत्ते का भी पूरा पता था, तो इसीलिए उसी तरह से ही यहाँ भी हम लोग कोशिश किए हैं पूरा करने के लिए। और लग नहीं रहा है कि ये पहली बार हुआ है, सबके सहयोग से सभी लोग, सभी जो है ये सब लोग जो है मिल करके बहुत अच्छे से हुआ है। और यही बताए आपका दीपशिखा श्रीवास्तव, ये बताइए कि डांडिया जो उत्सव होने वाला है तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारी जनता को बताइए कि डांडिया क्यों मनाई जाती है? डांडिया बेसिकली गुजरात का है और माता जी के लिए मनाते हैं हम लोग, 9 दिन मनाते हैं। हम लोग तो एक ही दिन इवेंट कर पाते हैं, बट ये 9 दिन होना चाहिए। माता को मनाने का एक स्वरूप है कि हम खुशी में नाचते हैं कि माँ हमारे घर आई है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पर्णिका है जी। डांडिया के बारे में कुछ बताइए। डांडिया बेसिकली होता है कि एक उत्साह होती है, एक लोगों के अंदर उमंग होती है, एक त्यौहार का वो होता है। और माता को कैसे मनाना, जैसे कि कहा जाता है डांडिया माता के अस्त्र का ही रूप होता है, तो उसी के द्वारा हम लोग डांडिया उत्साह उसमें मनाते हैं। कलकत्ते से मैं कलकत्ते से हूँ। अच्छा, आप कलकत्ता से? जी, मैं यूपी के लिए कलकत्ता में, मेरा घर बंगाली है। बिल्कुल बंगाली नहीं हूँ, इंडो बंगाली हूँ। तो मैं कलकत्ते से हूँ, तो यहाँ पर पूजा यहाँ नहीं होता था दुर्गा जी का, ये हुआ इस बार। बहुत लड़कियों ने सारे मेहनत किया, यहाँ के लोग बड़ी सहयोगी हैं, बहुत जेंट्स लेडीज सब ने बहुत अच्छा से मनाया। और जो कुछ भी था माता का पूजा से लेकर के कल्चरल प्रोग्राम से लेकर के जितने खेल कूद, बच्चों के गेम, बच्चों की जो फैशन शो से लेकर के कोई किछ कुछ बाकी नहीं रहा। ऑल ओवर जितना प्रोग्राम था, लड़कियों ने हमारी बहुत मेहनत की है, इन्होंने बहुत मेहनत किया है, ये हमारी पूजा में बहुत ज़्यादा सहयोग की है, इनके हस्बैंड, ये सारे लोग हमारे अपना जी तो दिन रात। आप अगर कलकत्ता से हैं तो ये बताइए यहाँ की पूजा के बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस प्रकार होती है, जो सुबह पूजा होती है फिर शाम पूजा होती है, उसमें पंडित जी आते हैं, पंडित जी ही भोग बनाते हैं। और हम लोग भोग बनाने के, हम लोग सब्जी उब्जी काट देते हैं, फल काट देते हैं, प्रसाद तैयार, लेकिन पंडित ही अपने हाथ से ये भोग बनाते हैं। वो भोग माँ को लगता है, भोग को ढक के लगता है कि किसी की नज़र ना लगे, कोई देखे नहीं, उनको तौलिया से मुँह पोछा जाता है, उनको आईना दिखाया जाता है, उनकी श्रृंगार होती है, और उसके बाद प्रसाद का वितरण होता है। और जो तरीका होता है पूजा का, वो बंगाल छोड़ के कहीं नहीं होता, वो यहाँ पर हुआ। हुआ जी, तो बंगाल वाली फीलिंग आई आपको? बिल्कुल, मैं बंगाल में ही हूँ अभी। अच्छा। मैं बंगाल में, मैं कोलकाता में हूँ। आपका क्या नाम है? विभा तिवारी। ये बताइए कि आप डांडिया के लिए कितनी ज्यादा एक्साइटेड हैं? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, यहाँ का डांडिया मतलब लखनऊ का बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट डांडिया है। तो आपने कभी डांडिया खेला है? हाँ, बहुत बार खेला है, बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इस डांडिया में पार्टिसिपेट करें, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि ये सबसे अच्छा मौका है एक दूसरे के साथ मिलने का, मतलब एक दूसरे से पहचान बनाने का, इसी के जरिए, डांडिया के जरिए लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं। वैसे हम लोग पहले गणेश पूजा करते थे, ये दुर्गा पूजा करने के लिए कोई हिम्मत नहीं पड़ रहा था। हमारी बिल्डर आशीष जी वो उत्साह के हैं, और बहुत कम समय में हम लोग इसको जो प्रोग्राम को सेट किया, बच्चों से लेकर के बूढ़े तक, ऐसा कोई नहीं कि प्रोग्राम नहीं किए होंगे, सभी लोग के हैं, और बहुत अच्छा लगा। और कोशिश करेंगे हम लोग जो है आगे और अच्छा करेंगे। हमारे बिल्डर के बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग को ये उत्साह दे करके पहला वाला दुर्गा पूजा शुरू हो गया। क्या नाम है आपका? इनका नाम है नवीन निगम जी हैं ये, और यहाँ पे जो भी कार्यक्रम में इन्होंने बड़ा अच्छा ही भागीदारी इनकी रही है। तिवारी जी हमारे, इन्होंने भी बड़ा सपोर्ट किया, और सर हैं पीछे, सर हमारे जो पूरा जो यहाँ पे पंडाल में हो रहा है सारी चीज़ों की व्यवस्था, बच्चों के प्रोग्राम, बड़ों के प्रोग्राम, और जैसा कि आज डांडिया है तो आज डांडिया की भी बहुत सारी प्रैक्टिस चल रही है, और अभी यहाँ पे आपको भी देखने को मिलेगा, एंजॉय करने को मिलेगा डांडिया। बाकी हमारे सर हैं कुछ, सर आप भी। सर क्या नाम है आपका? अजय शुक्ला। सर यहाँ पे जो भी प्रोग्राम हो रहा है, जो सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आप खुद देख रही हैं, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हो रहा है यहाँ। आज 8 तारीख को मूर्ति आई थी हमारे यहाँ, 9 तारीख से प्रोग्राम कंटिन्यू चल रहा है और 4 दिन कंटिन्यू हुआ है। पहले दिन फर्स्ट डे जो बच्चों का प्रोग्राम हुआ था उसमें हर एज के बच्चे प्रोग्राम किए, कलर पेंटिंग भी हुई थी, ड्राइंग की कंपटीशन था। सेकेंड डे लेडीज़ कंपटीशन हुआ था, अपना क्या नाम है, मटका पे ड्राइंग करना था माता जी की, और उसके बाद वो होली खेला हमारा होता है बंगाली पता में, वो भी हुआ था, और कंपटीशन काफ़ी अच्छी थी।
कल के डेट में हमारे यहाँ भजन संध्या आज डांडिया हो रही है, डेली भोग आरती होती है 1:30 बजे से लेकर 4 बजे तक कंटिन्यू हमारे यहाँ भंडारा चल रहा है। क्या नाम है सर आपका? आनंद रुनेस। ओमेगा टाइम्स ने बहुत अच्छा आयोजन किया है, बस मैं इतना ही कहूँगा, माता रानी की जय हो। क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि जी, ये बताइए कि ये डांडिया आप यहाँ पर आई हैं तो आपको कितना मजा आया? बहुत बहुत, मेरे सोसाइटी में बहुत ही अच्छा डांडिया होता है, मतलब फंक्शंस यहाँ के बहुत ही अच्छे होते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? अभिलाषा। अच्छा, ये बताइए कि ये जो यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है ये कब से हो रहा है? ये 8 अक्टूबर से हो रहा है और आज डांडिया की रात है और हम लोग को बहुत मज़ा आया, इन्जॉय करने खूब इन्जॉय किया और कल माता रानी चली जाएंगी तो हम लोग उसके लिए बहुत दुख भी हो रहा है। नहीं, कितने सालों से यहाँ पे इस प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है? अच्छा, फर्स्ट टाइम किया जा रहा है। हाँ, माता रानी इस बार हमारे सोसाइटी में पहली बार रखी गई है, पर डांडिया वगैरह मतलब कई सालों से हो रहा है। आपका क्या नाम है? प्रीति। ये बताइए कि डांडिया क्यों मनाया जाता है, क्यों खेला जाता है? डांडिया एक तरीके से हम बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे हैं अपने उसके उसमें खेला जाता है। वैसे तो जैसे गरबा हो गया, डांडिया हो गई, ये गुजराती त्यौहार है जिसे हम माता जी के आने की खुशी में बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो आपको यहाँ पर डांडिया खेल के कितना मज़ा आया? बहुत ही इंजॉय किया, बहुत ही मज़ा आया। जैसा कि आप सभी ने देखा कि मैंने आपको दुर्गा माँ की सुंदर प्रतिमा दिखाई, उसी के साथ साथ डांडिया का कार्यक्रम भी दिखाया और लोगों से बात करी, लोगों में बहुत सारा उत्साह और उमंग देखने को मिला। यहाँ पे जो अध्यक्ष जी थे उनसे भी बात करी और जितने भी कमेटी के मेंबर्स थे सबसे बात करी और सब ने अपनी अपनी व्यक्तिगत राय रखी। ऐसे ही और प्रोग्राम्स देखने के लिए बने रहिए कैमरामैन दीपक के साथ। मैं कनक मिश्रा, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।